हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रोम से आने वाले गंदी नोटिफिकेशन को कैसे बंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने सही सुना और सही वीडियो पे है। तो आपका जो नोटिफिकेशन बार है दोस्तों, नोटिफिकेशन बार पे आपका जो क्रोम है, क्रोम से बहुत ही गंदी गंदी नोटिफिकेशन आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसान तरीके से आपका गंदी नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो दोस्तों। और जब भी आप फैमिली के साथ बैठे रहते हो और जब नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, तो बहुत ही यहाँ पे बुरा लगता है, देखने में भी यहाँ पे बुरा लगता है और फैमिली लोग यहाँ पे क्या कहेगा, क्या मोबाइल में क्या क्या देखते हो। तो उसे कैसे बंद करना है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों, स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउजर है दोस्तों, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकती हो इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर में देख सकते हो थ्री डॉट करके एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगा, आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा साइट सेटिंग करके, यहाँ पे आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जैसा ऐसा करता हूँ सेम प्रोसेस से दोस्तों ये सेटिंग आपके मोबाइल में भी करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सेटिंग यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आ रहा है देख सकते हो नोटिफिकेशन करके, आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन है, मतलब यहाँ पे अलाउ दिया हुआ है। और जितना देख सकते हो यहाँ पे गंदी गंदी यहाँ पे जो एड वगैरह है यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद दोस्तों सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे बैक पे चले जाना है। और जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करने पॉपअप्स करके आपके मोबाइल में आ जाएगा दोस्तों पॉपअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपअप्स के क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हो यही ये भी ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे ऑन है, इसको भी यहाँ पे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद सेम प्रोसेस आपको बैक पे चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड करके। तो यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों ये ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन है, इसको भी यहाँ पे ऑफ कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे बैक पे चल जाना है। और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और करने के बाद एकदम नीचे यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज करके एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपके मोबाइल में भी शो करेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हो यही ये भी ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन है दोस्तों, इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है, ऑफ करना, ठीक है। ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे चार सेटिंग आपको कर लेना है। सबसे पहले आपके जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में जाकर ये जो मैंने दिखाया है दोस्तों, यहाँ से आपको बैक पेज चल जाना है। और जाने के बाद दोस्तों अभी आपका जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे देख सकती हो, आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे टच करके रखना है। और रखने के बाद यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकती हो एफ इन्फो करके और रिमूव करके, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एफ इन्फो जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको एफ इन्फो पे क्लिक कर देना है। और एफ इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, देख सकते हो आपके मोबाइल में दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन करके, यहाँ पे लिखा आ जाएगा दोस्तों, आपके मोबाइल में भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में लिखा आ जाएगा, देख सकती हो शो नोटिफिकेशन करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों ये देख सकती हो, यहाँ पे जितना सारा नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे अलाउ दिया हुआ है, ऑन हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शो नोटिफिकेशन जो आ रहा है यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टोटली जितना यहाँ पे नोटिफिकेशन था यहाँ पे बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये करने के बाद अभी कुछ नहीं करना है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये पांच सेटिंग आपके मोबाइल में करने के बाद दोस्तों आपका जो क्रोम से आने वाले गंदे नोटिफिकेशन था ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।